रमा क्या कर रही हो तुम? आपको क्या लगता है हमें सड़क पर ला देने से ये कॉलेज जाना छोड़ देंगे? गलत लगता है। अभी कुछ देर बाद ये कॉलेज जाएंगे और हाँ समय पर पहुंचेंगे और फिर से वैसे ही जवाब देंगे जिस तरीके के जवाब से आप तिल मिलाए हुए हैं। आप जैसे कई लोग कीड़ा समझकर दवा छिड़कते रहे हमारे पति की जिंदगी में, लेकिन आज तक उन्हें कोई नहीं रोक पाया। अब संसार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पति का हौसला नहीं तोड़ सकते। अच्छा तो फिर देखते हैं भीमराव कि तुम्हारे हौसले की ताकत कब तक तुम्हारे साथ रहती है। ये बात याद रखना कि अब से इस बंबई में तुम जहां जहां जाओगे वहां तुमसे पहले ये नरोत्तम जोशी जाएगा ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सके। देखिए आपको नफरत की ताकत आजमानी है तो आजमा लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा। इस अस्पृश्य भीमराव के पीछे पीछे दौड़ने से आप अपनी जिंदगी निरर्थक बना रहे हैं। इसके बदले में कुछ सार्थक कीजिए। चलिए। कबीर सिर्फ समंद की रटे प्यास प्यास समुद ही तिनका करी गिने स्वाति क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बेटा? नहीं मैं ठीक हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए वहां बैठते हैं। चल बेटा। चलो चलो आजा बैठ। अरे मदद करो इसे। बस ठीक है। तुम सब लोग यहां थोड़ी देर आराम करो। आनंद भीम रंजन आजा। भीम बेटा इससे अगर हम सही करें तो ये रहने के लिए जगह हो सकती है। फिलहाल बैठने के लिए वहां जगह की है,
अगर बारिश बिरिश आ जाएगी तो कम से कम भीग तो नहीं सकते, ठीक है? जीजा भाई, आनंद को कुछ पैसे दे दो, फिलहाल खाने के लिए कुछ खरीद कर ले आएगा। इतने सारे लोगों के लिए खाना लाएगा तो महीने भर के पैसे हफ्ते भर में ही खत्म हो जाएंगे। पर आई, कल का कल देखेंगे ना, आज जो करना जरूरी है वो करते हैं ना। ये जो कल का कल देखेंगे बोलते हो ना, इसी वजह से आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। बाबा, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं जाकर सबके लिए खाना लेकर आता हूँ। आनंद भैया, आप लोग खा लीजिए, मैं कॉलेज जाता हूँ। भीम, तू भी तो भूखा है ना, कुछ खाकर जा बेटा। नहीं बुआ, मुझे देर हो जाएगी। और फिर रमा ने सबके सामने कहा था उसका पति आज भी समय पर कॉलेज जाएगा। उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा मैं। लेकिन बेटा, अभी तो बहुत समय है। कॉलेज पैदल चला जाऊंगा। हाँ, 8-10 मील चलूंगा तो पैर दर्द करेंगे, थकूंगा, ये बात सही है। लेकिन फिर मुझे तुम्हें, शंकर और छोटी को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना? बाबा, आपने जेब खर्च के लिए पैसे दिए थे ना, उन पैसों से कॉलेज जल्दी जाकर कैंटीन में कुछ खा लूंगा। ये 1.5 आना भी आप ही रख लीजिए, लेकिन रमा को और उसके भाई बहन को खाना दे दिया कीजिएगा। सुनिए तो, कुछ खाकर जाइए। तुम शांत बैठोगी? जेब खर्च के लिए पैसे दिए हैं ना, वो खर्चे के लिए ही दिए हैं। बैठो शांति से। लेकिन आई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। ये बेटा, अपना ख्याल रखना। बाबा, मैं भी सबके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी जाकर कहीं घर ढूंढता हूँ। आनंद, तू आज काम पर मत जा, यही रहे। हो बाबा। बाबा, आप तो कुछ खा कर जाइए। तुम साबित क्या करना चाहती हो कि सारे घर की और इनकी चिंता बस तुम्हें ही है? जीजा भाई, इसमें साबित क्या करना है? चल राम जी, रुको, मैं भी चलता हूं। चल। इस भीम के नौटंकी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ ये लग रहा है कि इन दोनों मनुष्य अनाथ बच्चों की छाया भी हमारे घर पर पड़ गई है। बोल तो रहे थे कि हमारे बाबा का कोई घर नहीं है, हम बेघर हैं। अब इनकी वजह से हम भी बेघर हो गए। मामी। शंकर, तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे? आप चाहे जो बोलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। अम्मा, क्या तब से बहस के पड़ी है आप? चुप बैठिए ना, अब एक भी बात भीमराव और उसके परिवार वालों के बारे में नहीं होगी। हाँ डलिया अम्मा, वो इसलिए क्योंकि कहीं कहीं अपने मालिक जोशी जी तक ये बात पहुंच गई कि हमारे मन में उस भीमराव और उसके परिवार वालों के लिए हमदर्दी है, तो हमसे भी ना चौल खाली करवा दे। हाँ, उन्हें तो कहा। हाँ तो निकाल दे हमें। निकालने के डर से क्या हम उन्हें और उनके एहसानों को भूल जाएं? बताओ, यहाँ कौन है ऐसा जिसकी रामजी, भीमराव और रमा ने कभी मदद ना की हो? और तुम, जब तुम बीमार हुए थे तब उसी रामजी और भीमराव ने लोगों से घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया था।
ये देखो, लोगों ने तुम्हारे लिए दवा के पैसे दिए, अब अस्पताल जाकर इलाज करते, जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी चाल तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। भीम बेटा उठो, उठो उसे, चल चल चल। और जोकू, तुमने सेठ के कपड़े जला दिए थे, तभी वही भीमराव ने तुम्हारी तरफ से वकालत की थी। चल, इधर चल, आ गया। अब इसे कौन पहनेगा? तेरा पाप? अब इस कमीज का पूरा पैसा दे, पूरे 2 रुपया 12 आना, समझे? देखिए सेठ जी, इनसे गलती से जल गया होगा, ये काका गरीब है, इतने पैसे कहाँ से देंगे आपको? इन्हें माफ कर दीजिए ना। और भीमराव के समझाने बुझाने से तुम्हें कोई हर्जाना नहीं देना पड़ा था। और फुलिया, जब तेरा सर दर्द करता था तो वही रमा तुरंत आके तेरे सर की मालिश करती थी। वाह रमा, तुम्हारे हाथ में ना एकदम से जादू है। देखो, हाथ लगाते ही पूरा सर दर्द एकदम से छूम अंतर हुई गवा। जुग जुग जिया। लेकिन वही तेरे लिए आज सरदर्द बन गई है फुलिया, और हम सब ने आज उसे अकेला छोड़ दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं। ए नटवर, अम्मा को समझाओ ना, जब लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे के लिए मदद करते ही हैं। अब हम भी गिनाने बैठ जाए तो बहुत कुछ गिनवा देंगे। एकदम सही कहा। अरे अम्मा, सच में बहुत हो चुका। अगर आपको आपके बेटे से प्यारे वो लोग हैं तो उन्हीं के साथ रहिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना अम्मा के रह लेंगे। तो तू अपने अम्मा के बिना रहने लायक हो ही गया? चाह कर तू नौटंकी करने के लायक ही है। भीमराव की बिरादरी का कोई भी व्यक्ति यहां मुझे नहीं दिखना चाहिए। अगर तुम सब यहां रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहां से निकालो। करना क्या है ये बताओ। करना क्या है मालिक? या तो भीमराव अपने परिवार के साथ अपनी मर्जी से जाए, या तो हम उसे निकाल दें। भीमराव, पीछे हट, अब हटो मेरे रास्ते से। हटो। क्या हुआ, गीले हो गए? कोई बात नहीं, घर जाओ और कपड़े बदल कर आ जाओ। मैं भी ना, घर तो रहा ही नहीं, तो जाओगे कहाँ? आपको क्या लगा, इस तरह कपड़े गीले कर देने से तो क्या मैं कॉलेज में आकर पढ़ाई करना छोड़ दूंगा? सोच समझ कर बोलो। तुमने देखा है कि पानी मैंने डाला है? ऐसी गंदी हरकतें आप नहीं तो और कौन कर सकता है? करने को तो हर ऊंची जात के व्यक्ति को तुम्हारे साथ यही करना चाहिए। दूध बर्तन में उफान मारने लगता है तो उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है,
ताकि वो शांत हो जाए। इसी प्रकार किसी ने तुम्हारे उफान पर पानी डाल दिया। नरोत्तम जोशी, मर्यादा में रहकर बात करने का। इसे समझाइए ना। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर बैठा हूं। मैंने खुद देखा कि इस पर पानी कॉलेज के गेट के बाहर फेंका गया है। मामला कॉलेज के बाहर का था, लेकिन इसने पंचायत कॉलेज में बैठा ली। जरूरी है कि छात्र कॉलेज का हो, कोई बाहरी भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी, पानी फेंकने के बाद वो कॉलेज में गया। अब इसने भगाया तो भाग कर आ गया होगा। बिना सबूत के आप नरोत्तम जोशी को गुनहगार नहीं कह सकते। भीम, तुम्हारे ऊपर जिसने पानी डाला, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? क्या इनमें से कोई है? उसने चेहरा ढका हुआ था गुरुजी, और शरीर पे कंबल ओढ़ा हुआ था। मैं ये समझता हूँ भीमराव, कि तुम सब कक्षा में जाओ, क्योंकि बिना किसी प्रमाण के किसी को सजा तो नहीं दे सकते। भीम, गीले कपड़े में क्लास नहीं करने का। जाओ, घर जाकर कपड़े बदल कर आ जाओ। नहीं गुरुजी, अभी इस वक्त घर जाके वापस आना है तो बहुत समय जाएगा, सब कक्षाएं खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लो, ये ले लो फिर। नहीं नहीं गुरुजी, मैं ठीक हूँ। भीम, तुम्हारे पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। अगर तुम ऐसे ही ज्यादा देर तक रहे तो ठंड से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लो। इससे तुम्हें राहत मिलेगी। धन्यवाद गुरुजी। भीमराव, बचकर रहो, क्योंकि अब से इस कॉलेज में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और गुरुजी, कब तक आप इसे अपना उपरन देते रहेंगे? देखिए, कहीं आपको खुद कपड़ों की आवश्यकता ना पड़ जाए। नरोत्तम जोशी, जितना अत्याचार करना मांगता है कर लो, लेकिन देख लेना, एक दिन भीमराव जैसे लोग ही इन सारे अत्याचारों को खत्म कर देगा। सपने देखना बंद कीजिए, खुदा बख्श सर। चलो, सब लोग कक्षा में चलो। बुआ, ये लीजिए खाना। ला, रख दे। रामा, खाना और बच्चों को भी खिला दो। वो कॉलेज में अकेले होंगे। नरोत्तम जोशी वहां भी उनके साथ कुछ बुरा करेगा, ये सोच के घबराहट हो रही है। जब हम छोटे थे ना, तो भीम ऐसे ही बड़े बड़े काम करने के लिए अकेला ही निकल जाया करता था। तब हमें भी कुछ इसी तरह से चिंता हुआ करती थी। फिर एक दिन आया जब हम आश्वस्त हो गए कि भीम अकेला ही काफी है जिंदगी के सभी संघर्षों से लड़ने के लिए, और कुछ ही दिनों में तुम भी हो जाओगी पत्नी। चिंता करना जायज, पर मैं यही सलाह दूंगा, चिंता मत करो, खा लो।
आज वो भूखे होंगे और उनके पास एक पैसे भी नहीं होंगे। जब तक वो लौट कर नहीं आते मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी।